वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है, मजेदार तरीका से और नए जोश जुनून के साथ एक एक क्वेश्चन को डीपली देखेंगे। आपको ये गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और मैथमेटिक्स में आप तो मास्टर बन जाएंगे। तो बिना देर की हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका अस्तित्व कि ये सही में इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ये निकल सकता है कि नहीं। तो पहले चेक करेंगे, नहीं अगर अस्तित्व नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे, बनाएंगे ही नहीं। तो अस्तित्व कैसे चेक किया जाए, तो उसके लिए डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा डी का मान, अगर जो भी इसमें हम लोग भर रहे हैं वैल्यू, इसको बनाने के बाद जीरो आए तो समझिए अस्तित्व में है, जीरो से बड़ा आए तो भी, जैसे कि एक आए, दो आए, तीन आए, कुछ भी आए अगर, तो अस्तित्व में है, यानी उसको बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे माइनस में गया, एक ही चीज आप याद रखिए कि माइनस में डी का वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, वो अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, एग्जिस्टमेंट उसका नहीं होगा। यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये बी भरिए, ए भरिए, सी भरिए, ये सब वैल्यू होता है। तो ए बराबर क्या है, यहाँ ए बराबर दिया है 4, बी बराबर, देखिए ए बी सी डी वाला पार्ट ये नहीं लेते हैं, नंबर भरते हैं। बी बराबर ये दो नंबर पे, बी क्या है 4√3, और सी बराबर क्या है तो 3 है। अब ले जाके भरिए डी, डिस्क्रिमिनेंट है। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में पूछेगा ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, कहेगा कि इस द्विघात समीकरण का विवेचक निकालिए। क्या निकालिए, विवेचक। तो आपको वही डी सिर्फ निकालना है, सिर्फ डी निकालना है विवेचक बोलेगा तो। ठीक है, अब देखिए बी कितना है, तो बी है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है, तो 4 है, और सी कितना है, तो 3 है। 4√3 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 × 16 = 48। ठीक है, अब माइनस 4 × 16 = 48। अब बताइए 48 में से 48 जाएगा, डी जीरो हो गया, यानी डी बराबर क्या आया, जीरो। अगर डी बराबर जीरो आया है तो हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी अस्तित्व आप चेक कर रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा इसका इसका अस्तित्व है, मतलब ये एग्जिस्टमेंट अगर हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। क्वेश्चन क्या है, यही था ना, 4x² + 4√3x + 3 = 0। इधर 4 नंबर क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और साइड में जगह ले लें क्योंकि जगह यहाँ चाहिए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग यानी वर्ग बनाना है, तो बताइए, तो यहाँ प्लस दिख रहा है ना, इसका मतलब ही एक ही को फॉर्मूला पर सेट होगा। देखिए इसमें हमेशा दुए को फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी के द होल स्क्वायर और a माइनस बी के द होल स्क्वायर। क्या होता है, a का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, तो पहले a का स्क्वायर लिखिए, उसके बाद से b का स्क्वायर, और लास्ट में तीनों साथ में लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे लिखिएगा 2ab, थोड़ा सा इसको बनाने में आसानी रहेगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक का स्क्वायर, पहला वाला का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर तो है लेकिन एक डाउट क्या है, 4 पर स्क्वायर नहीं है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 4 को 2x² a² + 2। ए स्क्वायर ये है ना, इसको हम a माने, तो 2a b, यानी दो दोना यहाँ पे, देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2ab, रखते हैं √3, तब ना हो जाएगा 2 × 4 और √3 है तो 3। हम b क्या माने हैं, √3 माने हैं, अपने से माना जाता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस b यही है तो b का स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस में लेते हैं तो एक बार माइनस में भी b का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 3। समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ से यहाँ तक लिख दिए, ये वाला इसका हिस्सा है, जब आप यहाँ से यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा, ये वाला 3, आई अपने से एगो प्लस में लिखे हैं तो एगो माइनस में लिखना पड़ता है, क्योंकि फार्मूला सेट करना है a² + 2ab, तो 2 तो ठीक है, a यहाँ पे है तो भर दिए, b अपने से भरना था, तो b भरे कि ये कितना आ जाए, ई वाला हिस्सा आ जाए, तो b√3 भरे, तो 2ab मतलब b बराबर का मिल गया, √3 मिल गया। ठीक है, उसके बाद b² तो √3 का स्क्वायर किए तो एक बार माइनस में भी करना पड़ता है, लास्ट में 3 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ के जगह पर फार्मूला लिखिए 2x + √3 का स्क्वायर, और ये देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया -3 + 3, यहाँ 0 होता है। ठीक है, 2 ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x + √3
बराबर में क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, इतना बराबर बच गया, इसको दो बार लिखिए, 2x प्लस रूट थ्री, एक बार इसको जीरो के बराबर, 2x प्लस रूट थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर डायरेक्टली है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में थ्री बट्टा टू, ये भी उतना ही आंसर हो जाएगा, रूट थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर रूट थ्री बाई टू। तो इसका स्क्रीन शॉट लीजिए और हम लोग बिना देर किए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ फोर नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका मूल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बाद में निकालेंगे, पहले क्या करेंगे चेक करेंगे अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व चेक करने के लिए d निकालते हैं, d का वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये वाला ए बी सी, अब ये वाला ए बी सी का मतलब ये x को हम b नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ नंबर होगा ना उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ b क्या है, कुछ नहीं है, तो एक भरिएगा और माइनस फोर, ए कितना है तो ए है यहाँ पे दो और सी कितना है चार है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, चार दूना आठ, चौका कितना होता है बत्तीस, बत्तीस में से एक जाएगा तो माइनस में इकतीस। ये देखिए ज्यादा में से कम को घटाते हैं, अब बड़ा वाला का चिन्ह देते हैं, तो माइनस में डी बराबर। लगा हो वीडियो आपको शानदार तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा लें। तो फिर मिलेंगे हम लोग मजेदार वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।